हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रूट पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। तो मेरे पास ये वर्जन मशीन है, तो इसमें मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें लाइनक्स मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ ई प्रेस करनी होगी, उसके बाद जहाँ पे शुरुआत हो रहा है लाइनस 16, लाइनस 16, ठीक है, इस लाइन पे आनी है। सबसे एंड पे स्पेस देके हमें टाइप करनी है इनिट इक्वल बिन डैश, ठीक है। ये मैं बिना आईएसओ के माउंट किए हुए अब रूट पासवर्ड चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कंट्रोल एक्स प्रेस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे वेस्ट काउंट आ गया। अब यहाँ पे हमें रूट को रीडायरेक्ट मोड में करना पड़ेगा। हम रीमाउंट करते हैं, रीमाउंट यहाँ पे रीड राइट ऑप्शन देते हैं और रूट को करते हैं। इसके बाद हम लोग रूट का पासवर्ड चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉम्प्ट आ गया न्यू पासवर्ड चेंज करने के लिए। यहाँ पे सेट करते हैं, रीटाइप करने के लिए बोला, रीटाइप कर देते हैं। लोग यहाँ पे लैपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिबूट करते हैं। ये रिबूट हो रहा है हमारा। इसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो हम लोगों ने अभी चेंज किया है। ये देखिए हमारा लॉगिन हो रहा है। ये देखिए हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन करके रूट पासवर्ड चेंज करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आईपी चेक करते हैं। देखिए हमारा आईपी है 102 है, ठीक है, इसको हम लोग बाहर से भी एक्सेस करके देख लेते हैं। हमारा आईपी है 192.168.56.102। रूट से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डालते हैं, नया वाला पासवर्ड डालते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर दिए। ई प्रेस करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ये लाइन एक 16 लिखा हुआ इस लाइन पे आनी है। यहाँ पे टाइप करनी है rt.break, उसके बाद कंट्रोल एक्स करनी है। यहाँ पे सिस रूट को रीड राइट मोड में रिमाउंट करनी पड़ेगी, तो हम लोग रिमाउंट करते हैं। ऑप्शन पे रीड राइट, इसको यहाँ पे सीस रूट, उसके बाद हमें सी एच रूट कमांड चलानी पड़ेगी सीस रूट के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड टाइप करनी पड़ेगी चेंज करने के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पे सेल पे आ गए, ठीक है, चेंज करने के लिए ऑप्शन आ गया न्यू पासवर्ड टाइप करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं।
रीटाइप करने के लिए बोलो, रीटाइप करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा चेंज हो गया, यहाँ रिलेबल कर देते हैं। सिंक भी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हमें एग्जिट लिखना होगा, उसके बाद एग्जिट लिखना पड़ेगा। ये हम लॉग आउट कर दिए, ये हमारा रिबूट हो रहा है। उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉगिन से चेक करेंगे हमारा रूट पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए हमें लॉगिन करने के लिए लिख देना जी। अब यहाँ पे हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो अभी हम लोगों ने चेंज किए। ये देखिए हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर गए। इसका आप टाइम भी चेक कर लेते हैं। आईपी रहा हमारा और ये देखिए आप टाइम। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईएसओ के थ्रू कैसे हम लोग रूट पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आईएसओ माउंट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे आईएसओ माउंट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बूट ऑप्शन में चेंज करनी पड़ेगी। बूट ऑप्शन हमारा रहेगा फर्स्ट सीडी रोम। उसके बाद हम सिस्टम को ऑन करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें जाना है ट्रबल शूटिंग पे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो हमें जाना है रेस्क्यू ऑप्शन पे। ये हमारा आईएसओ से अभी बूट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कंटिन्यू के लिए वन प्रेस करनी पड़ेगी, तो वन प्रेस करते हैं। अब दोस्तों हमें सेल पे जाने के लिए इंटर प्रेस करनी पड़ेगी। अभी देखिए हम लोग यहाँ सेल पे आ गए। इसके बाद दोस्तों हमें एमएनटी सीसी इमेज को रिमाउंट करनी पड़ेगी रीड राइट मोड में, तो हम लोग रिमाउंट कर देते हैं। इसको करनी है एमएनटी सीसी इमेज। इसके बाद दोस्तों हमें सी एच रूट कमांड चलानी पड़ेगी एमएनटी सीसी इमेज। देखिए हम लोग बेस प्रॉम्प्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड चेंज करेगा, तो यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं पास डब्ल्यू डी और रूट। अब देखिए हम यहाँ चेंज करने के लिए ऑप्शन आ गया नया पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं। तो यहाँ हमें रीटाइप के लिए पूछ रहे, तो रीटाइप करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ सक्सेसफुली चेंज हो गया। उसके बाद हमें रीलेबल करनी पड़ेगी, तो रीलेबल भी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से एग्जिट करनी पड़ेगी, तो एग्जिट कर देते हैं। और एक बार हमें एग्जिट करनी पड़ेगी। अब देखिए ये हमारा रिपूट हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉगिन स्क्रीन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे रूट से। अब यहाँ पे टाइप करेंगे पासवर्ड जो हम लोगों ने चेंज किया। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग लॉगिन हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन करके अब टाइम चेक कर लेते हैं।
ये देखिए 1 मिनट पहले का है एक अप टाइम। हम यहाँ पे आईपी चेक करते हैं। अब इस आईपी को हम लोग बाहर से एक्सेस करके चेक करते हैं। रूट से लॉगिन करेंगे। ये देखिए हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर गए। टाइम चेक कर लेते हैं, आईपी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।